मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। एक गुमनामी का समुंदर है, उसमें ही जाके डूब जाऊंगा। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। मुझे पहचानो, देखो मैं हूं कौन, आ रहा हूं पलट के, मैं हूं। कुछ ख्वाब थे अधूरे से, कुछ मंजिल अभी बाकी है। निकल पड़ा हूं मैं क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। ये थे मेरे बीते हुए पल, खूबसूरत नज़ारे और खूबसूरत दोस्तों के साथ। तो आइए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं खूबसूरत नज़ारों के साथ। फिर मैं पहुंचा दुनिया के सबसे ऊंचे बॉर्डर पर, पुंजराबाद। अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली पाकिस्तान चाइना बॉर्डर हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, चाइना बॉर्डर पहुंच चुके हैं। अब ऐसा लग रहा है कि मेरा टूर जो है कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि बहुत टाइम से सोचा था यार चाइना बॉर्डर जाऊंगा। अपने पाकिस्तान के एक लैंड एंड बॉर्डर पर मैं पहुँच चुका हूँ। इसके सामने बिल्कुल ही चाइना बॉर्डर है और यहाँ के नज़ारे कुछ और ही कह रहे हैं। तो टूर एंड पर है अब, इसके बाद भी कुछ जगह रह जाएंगी, लेकिन चाइना बॉर्डर इस टूर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तकरीबन अभी मैं मेरे ख्याल में 3 घंटे का सफ़र करके चाइना बॉर्डर के लिए सिर्फ देखना है, वो भी हम यहाँ सिर्फ मेरे ख्याल में आधा घंटा स्टे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा आपका सर घूमने लगता है और थोड़ा बोलने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। चाइना बॉर्डर जितना मैं आपको बता सकता हूँ आधे घंटे में देखूँगा। यारों की यारियों ने इस सफ़र को यादगार बना दिया। ऐसा लगा जैसे बचपन के बेफिक्र दिन एक बार फिर से लौट आए। हसीन मंजर, बेफिक्री और सुकून का ये माहौल मेरे दिल में उतर रहा था। जी चाहता था बस ये वक्त यहीं रुक जाए। और फिर हम पहुंचे अहमदाबाद। नाम तो सुना होगा। तो भाई अहमदाबाद लेक पहुंचने के बाद जेट्स की आपके भाई ने डन कर लिए, ठीक है, और सभी ने तकरीबन डन कर लिए और मेरे साथ भी मेरे भाई हैं। भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? भाई जेट्स की तो ऐसा लग रहा था ज़मीन पे नहीं, ऐसा लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली। तो ये थोड़े एक्साइटेड हो गए जेट्स की करने के बाद, ठीक है, और मेरा भी मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी। तो यहाँ तो भाई फुल सीन ऑन था। मज़ीद चील करने के लिए हम गए हुंजा। वैसे तो ज़िंदगी में मैंने बड़े नमूने देखे, पर इस जैसा नमूना मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो फिर पहुँचे हम कैफे यार।
और रात को हमने लगाई दोस्तों के साथ, अब अपन लोग गाते गाने छोड़ो, मतलब फुल सीन ऑन था। सो भाई डिनर का सेटअप रेडी होने वाला है, माहौल ऐसा हो चुका है कि ना पूछें। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हमारे साथ शख्स बैठा हुआ है ठीक है यासिर, अगर ये ना होता इस ट्रिप के ऊपर तो मेरे ख्याल में ट्रिप बेकार था। क्यों साथ मैंने स्टार्टिंग में इसको देखा, स्टार्टिंग में देखा मैंने लगा यार ये क्या पका हुआ, लेकिन दो दिन के बाद इसने इतनी लिए और मतलब कि ये बंदा ऐसा है कि अगर ये ना हो ना महफिल के अंदर तो यार वो एक होता ना कि यार नहीं है यार मतलब मैं पकाऊं मैन, मैं बहुत ही मुश्किल से इंग्लिश बोलता हूँ, एक मिनट सुन लो। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, भूल जाऊंगा, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन बट आई स्टिल लव यू। आ रही है ना कुछ, मुझे भी आ रही है। आइए तेरे भाई का तो अब बढ़ते हैं अपनी अगली मंजिल के लिए। हमने सोचा सुबह जल्दी उठकर हुंजा को थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया जाए। बल्टी स्पॉट नहीं आ रहा, लॉरीज थक गए, यहाँ पे घोड़े का कोई सीन नहीं थके। ये देखिए वीडियो भी फ्रेश हो गया एकदम, बिल्कुल फ्रेश हो गया, नहीं थके भाई। घोड़ा मिलेगा यहाँ, दरियाई घोड़ा मिलेगा, ये दरियाई ये हमारी टीम शूट करवा रही है हर जगह पे। रास्ता खत्म नहीं हो रहा है ये वो, जब भी मैट में आपने जब भी मैट में आपने देखा होगा वो सॉन्ग है ना, यश का है वो यहीं पे शूट हुआ है ठीक है। उनको वीजा मिल गया था, है वीजा मिल गया, वीजा मिल गया था। असल में थोड़ी सी लिंक्स है ना, आपको पता है मीडिया यू नो। ओके नमस्ते, ये है रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नई नई साथे में ढलते हैं। आगे मुझे नहीं आता है और साथ गिर गया है साथ, तुम इतने गिरे पड़े क्यों हो? और यही है शांति की लाश, शांति भी यही दफनाई थी तीसरी वाली। चले आज सुनो लड़को प्लीज, आप भी कुछ बोले, आप लोग भी कुछ फरमाइए। बजाज जी से मिलिए, ये देखिए मिस्टर बजाज लड़को, इनके 2 करोड़ गिर गए, मोहम्मद अली 4 करोड़ तक के निकाल ली। यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है और ये किला भी हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त है। और साथ मतलब ये किला बेसिकली बना हुआ है जो उस वक्त के बादशाह खान ने इसको बनाया था, और उस वक्त कुछ ऐसा हुआ था कि अंग्रेजों से लड़ाई फाइट थी हमारी, तो उसमें यह हुआ था कि यहाँ हुंजा के तमाम लोगों ने अपनी तमाम घर से जो भी विरासत की चीज़ उनके पास थी उन्होंने सबने ला के जमा किया था, जिसकी जो जिसकी बेस के ऊपर इन्होंने हथियार वगैरह बनाए थे। इस ये अभी हम हुंजा के बल्टी फोर्ट पे खड़े हैं और यहाँ से पूरा आपको कैमरा में लेके चलता हूँ उधर, ये पूरा हुंजा आपको नज़र आता है यहाँ से। बेसिकली आप ये देख सकते हैं ये पूरा गाँव है हुंजा, बेसिकली पूरा हुंजा शहर कह लें गाँव कह लें, टोटल हुंजा आपको यहाँ से आपके पहाड़ इसकी सोसाइटी इसके लोग सब आपको यहाँ से नज़र आए। अच्छा जाने के बाद मैं आपको बता दूँ नज़ारा बहुत जबरदस्त है, पूरा हुंजा यहाँ से आप देख सकते हो ठीक है। बल्टी फोर्ट पे अभी हम काफ़ी हाइट पे मेरे ख्याल में ठीक है, यहाँ पे हाइट से हम पूरा मतलब व्यू आपने देख चुका है ठीक है, तो व्यू तो बहुत ज़बरदस्त है। सो भाई अभी हुंजा ऑफ चेकआउट हम लोग करने वाले, 12 बजे का हमारा टाइम है, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया ठीक है। आज की रात मतलब जो थे हमने बर्थडे भी किसी की सेलिब्रेट करी, और बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद आज नींद बहुत अच्छी आई है, इसको भी बहुत अच्छी नींद आई है, और एक और रिपोर्ट है वो भी बहुत अच्छी है। तो और मानसून हो गया आज की, कल का बेस्ट डे था, आज भी बेस्ट डे था, आज भी बेस्ट डे इंशाल्लाह होगा। अभी यहाँ से हम हुंजा से राकापोशी जा रहे हैं ठीक है, और राकापोशी पे हो कि सब अच्छा हो, क्योंकि ट्रिप पे थोड़ी सी गड़बड़ भी है, लेकिन हम दोनों जो हैं भाई जो है
क्योंकि आपको पता ना जो भाईचारा होता है फिर वो अलग ही सीन ऑन होता है, दोनों भाई अकेले बेड पे सोते हैं और पांच लौंडे जो हैं वो अलग ही बेड पे सो रहे होते हैं। तो हम दो जो है वो शायद मेरे ख्याल में स्पेशल, हमने ग्रैंड पैकेज लिया है तो अब यहाँ से हम हमजा ऑफ करने वाले हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ कि कल रात हम उन्होंने क्या क्या करा और सबसे बेस्ट जितना हमारा कल क्यों साथ इंशाल्लाह कल बाकी जो हमने जो एडवेंचर्स किए वो वाकई बहुत अच्छे थे। और मैं आपको बर्थडे गर्ल भी दिखा दूँ। ये देखें, और इन्होंने कहा कराची पहुँचती है आपको कराची के ऊपर ट्रीट है, ठीक है, ट्रीट पक्की है और ट्रीट इनकी पक्की है, इन्होंने ये वादा करा। इन्होंने बोले फैमी आप हटा दें, खुशी रहने दें, ठीक है। तो कराची पे एक और ब्लॉग बनेगा इनकी बर्थडे का, ये देख लें आप। पार्टी हैं, हम तो सस्ते लोग हैं, इकोनॉमी में जाते हैं, प्लेन में जाने वाली हैं, ठीक है, आगा खान वाली, ठीक है, और प्लेन में जाएंगी। ये इनका थोड़ा सा लेवल है, समझ रहे हैं आप, तो ट्रीट भी लेवल वाली होगी। तो अब मिलते हैं लुलु सर लेक पर। So smile, you're with me now. So smile, so smile. So हम लोग मौत से लड़ने के लिए तैयार हैं आप? Yes. So हम लोग जा रहे हैं। साइन हो गए। Yes. साइन हो गए। हमने जब सब हो गया है तो ये क्यों छोड़े? साइन हो चुके हैं मरने के लिए, लेकिन तो अगर हम जिंदा रहे इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम तो जीत रहे भाई, हम तो आगे हैं, गोल गोल जीते भाई ट्रिप पहुँच एंड हो चुका है और अब मैं निकल पड़ा हूँ इस्लामाबाद के लिए। इस्लामाबाद पहुँचे मैं रात में इस्लामाबाद पहुँचूँगा और मुनाल पे डिनर है, पर मैं मुनाल जो है नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक दावत है, मैं अपने फ्रेंड है, तो मैंने सोचा कि यार घर के खाने की बहुत याद आ रही है तो घर का खाना खाना बहुत ज़रूरी है। सो दावत का सीन ऑन है तो बस मैं इस्लामाबाद पहुँचूँगा। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद नाइट स्टे है हमारा, तो मैं सोच रहा हूँ आज रात जागूँ, फुल तफरी करूँ लाहौरी बॉयज़ के साथ और साथ से अपने दोस्त से मिलने के बाद, और फिर सुबह की ट्रेन है कराची के लिए। तो एंड सीन है, बस सारे अलग अलग यहाँ पे बैठे हुए हैं और नज़ारे के मज़े ले रहे हैं क्योंकि हमारी घड़ी ख़राब हो गई फिर से। तो ये सफ़र हमसे शुरू हुआ, कुछ दोस्त बने और पुराने दोस्त और करीब हो गए, कुछ यादें कुछ पल शायद वापस ना आए, मगर वो दोस्तों के साथ गुजारी हुई रातें और ये हसीन मंजर दिल में उतर चुके थे। इस सफर ने शरारती दोस्त दिए और कुछ समझदार, मालूम नहीं कल हम सब कहाँ होंगे। कल से फिर एक नया सफर शुरू होगा, कल से फिर एक नई शुरुआत होगी।